चंबल की भीड़ों में अब घोड़ों पर आकर गांव लूटने वाले डाकू नहीं रहते, पर इन वीरान सुनसान इलाकों में आज के दौर के कुछ खतरनाक गिरोह अब भी सक्रिय हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट डकैतियां करते हैं और उस पुराने दौर के डाकुओं से भी ज्यादा खूंखार और जंगली हैं। कुछ ऐसे ही वैश्यों के बीच फंस जाती है घर से अपने मंगेतर को सरप्राइज देने निकली अपूर्वा। डिज्नी हॉटस्टार पर डायरेक्ट स्ट्रीम होने वाली अपूर्वा एक सर्वाइवल ड्रामा है, जिसमें लीड में दिखी है तारा सुतारिया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू करने वाली तारा ने अपने कंधों पर इस फिल्म को कैरी किया है, एंड शी डिड वेल स्पेशली इन एक्शन सीक्वेंसेस। रघुवीर यादव एक हार्डकोर क्रिमिनल के रोल में आपको सरप्राइज करते हैं, तो अभिषेक बनर्जी जो कि हथौड़ा त्यागी के रोल में ब्रूटली ब्रिलियंट थे, यहाँ भी क्रूर और हार्टलेस नजर आए हैं। आदित्य गुप्ता अस छोटू और राकेश चतुर्वेदी अस ज्योतिष छोटी भूमिकाओं में भी काफी इम्प्रेसिव है। निर्देशक निखिल नागेश भट्ट ने बहुत लेयर्ड न रखकर कहानी को सिंपल और स्ट्रेट रखा है, जिससे फिल्म बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाती है। चारों विलन कैरेक्टरों को थोड़ी बहुत डिटेलिंग दी गई है, मसलन अभिषेक बनर्जी का कबीर सिंह को देखते हुए घरेलू लड़की से शादी करने का सपना देखना, या फिर रघुवीर का लड़की को बेहोश देख नियत में खोट लाना आदि, पर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बेहतर तराशा जा सकता था। ओवरऑल अपूर्वा एक ठीक ठाक वन टाइम वॉच है, जो बतौर दर्शक आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाती। बस बिट्स एंड पार्ट्स में कुछ अच्छे थ्रिल सीक्वेंसेस हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। अपूर्वा को फिल्म की बात की रेटिंग रहेगी 2.5 स्टार्स।